स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का। ये नया नोटिफिकेशन है पर्यटन एवं होटल प्रबंध प्रोग्राम जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करवाया जाता है, उसके ऊपर एक ये छोटा सा वीडियो। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें? जी हाँ, इसमें BBA होटल मैनेजमेंट, BBA टूरिज्म मैनेजमेंट और इसमें मास्टर्स ऑफ टूरल ट्रेवल मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है जो कि वर्चुअल तरीके से होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले BBA होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट जो राजस्थान में तीन चार तरीके से होता है, एक जिसका इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कराता है जो कि जयपुर में स्थित है। साथ ही साथ राजस्थान सरकार द्वारा जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, ये भी होटल मैनेजमेंट की डिग्री प्रदान करती है। साथ ही साथ निजी विद्यालय भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, वो इसका करवाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पे हम देखें तो केवल दो ही हैं, IHM और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा। अब ये प्रोग्राम है BBA होटल मैनेजमेंट। BBA आप सभी जानते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये 12वीं के बाद यानी 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं। मिनिमम जो परसेंटेज है वो है 48% और 3 साल के लिए ये आपका कोर्स होगा। आइए बात कर लेते हैं होटल मैनेजमेंट के बारे में। इससे होटल मैनेजमेंट में बेसिकली ये 3 साल का कोर्स है और इसमें मेनली होटल मैनेजमेंट के 4 डिपार्टमेंट होते हैं। इसके अलावा 4 और अन्य डिपार्टमेंट भी होते हैं, 8 डिपार्टमेंट टोटल। ये आपको 3 सालों में होटल के हर तरीके आपको सिखाए जाते हैं। किचन जिसमें शेफ और फूड एंड बेवरेज सर्विस, इसके अलावा फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। अब बात करते हैं टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की। टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में 3 साल का ये कोर्स है जो उसके बाद आपको एक डिग्री प्रदान की जाएगी। इसमें भी आपकी 12th में 48% होनी चाहिए। अब टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इसे कंप्लीट करने के बाद आप एक गाइड बन जाओ। गाइड बनने के लिए अलग से आपको एक एग्ज़ाम पास करनी पड़ती है जो कि IITF की वेबसाइट पर आपको, जी हाँ फिर से नोट कीजिए, IITF की वेबसाइट पर आप जाओगे, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर करके वो वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे 2 प्रोग्राम चलते हैं। एक जो एक्सपीरियंस गाइड है उनके लिए अलग चलता है, एक दूसरा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और उसे फिर आप कर सकते हैं। और टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। आप अपनी टूर कंपनी खोल सकते हो, इसके अलावा फॉरेन गेस्ट को स्टे के लिए इंडिया में कहीं भी स्टे के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, वहाँ पर आप इनमें काम कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर आपको दूसरी भाषा का गाइड बनना है, जी हाँ दूसरी भाषा का गाइड बनना है, तो उसके लिए भी अलग से उस लैंग्वेज में आपकी पकड़ होनी चाहिए जो कि इस कोर्स के अलावा आपको वो करना है। उदाहरण के लिए हम फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन या किसी अन्य भाषा, या चीन, चाइनीज़ भाषा, कोरियन भाषा, इसमें किसी में भी एक अपनी लैंग्वेज को कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी। अब मास्टर ऑफ टूरल ट्रैवल मैनेजमेंट का ये प्रोग्राम है, ये वर्चुअल तरीके से होगा और 2 वर्ष का है। ठीक है, तो आप इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखिए। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है और वेबसाइट, जी हाँ वेबसाइट पे आप जाना है admission.mohanlalsukhadiauniversity.mlsuportal.in पर। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये कोर्स आपको वहाँ पे उपलब्ध होगा और वहाँ से आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, इसको करने के पीछे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आप टूरिज़म सेक्टर में ही काम करोगे, और इसके अलावा और राजस्थान सरकार के भी कई अन्य होटल हैं जिसे RTDC चलाती है, रन करती है। साथ ही साथ लग्जरी ट्रेन्स हैं, पैलेस ऑन व्हील्स है ना, तो यहाँ पे भी आपको जॉब मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। साथ ही साथ होटल में करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, जिसमें सबसे बड़ा नाम ओबरॉय ग्रुप का आता है, फिर ताज ग्रुप, लीला ग्रुप और बहुत सारे ऐसे ग्रुप में जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। इन होटल मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो IHM जयपुर के नाम से पहले ही बना दी जा चुकी है, आप उसे देखोगे तो आपके सब्जेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। BBA टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, मैं बता चुका हूँ कि ये एक गाइडिंग का लिए नहीं है, ठीक है,
गाइडिंग के लिए आपको एक अलग वेबसाइट पे जाना पड़ेगा IITF इनक्रेडिबल इंडिया पे, और वहाँ पे आपको एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद कुछ 2700 या 3000 फीस है, पर एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा। तो होप, मुझे लगता है मेरे दिए गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी तरह नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दीजिए, रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी पूरी। साथ ही साथ हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।